अभी मेरा टीओ हुआ था फिर से हटिया का, लेकिन कैंसल हो गया है। गजब बेइज्जती है। तो फ्रेंड्स, मेरा फिर से टीओ हो गया हटिया का, और इस बार टीओ बहुत ही अच्छा मिला है क्योंकि बैंकिंग में मुझे जाना है। बैंक अभी रिलीफ हो गया हूँ मैं, और हटिया पहुँचा हूँ 2:30 बजे। बैंकिंग में एक लोको पायलट और मैं रहूँगा, और जब भी अपग्रेडियंट आएगा तो ट्रैक्शन देना है, और पीछे एक लोकोमोटिव लगता है पूरे लोड के पीछे, उसी में काम करना है। तो हटिया पहुँचते हैं और अभी मैं निकलूँगा कुछ देर में, रेडी हो गया हूँ। तो चलिए मिलते हैं, देखते आज कौन सा लोकोमोटिव मिलता है। तो अभी रिलीफ हो गया हूँ मैं, और हटिया पहुँचा हूँ 2:30 बजे। देखिए रनिंग रूम जाएंगे और रेस्ट करेंगे, रिलीफ हो गए हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं रनिंग रूम। ये जहाँ मैं जिस रूम में रुका हुआ था वो रूम है, देखिए ऐसा है रनिंग रूम, और बहुत ही अच्छा है रनिंग रूम हटिया का। अब मैं चला रेस्ट करने, तो अब मिलेंगे सुबह आप लोगों के साथ। तो अब चलता हूँ रेस्ट करने। और ये हटिया में बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ है जिम का, और इसमें सारे मतलब जो भी जिम में यूज़ किया जाता है सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिम के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारा है यहाँ। तो यहाँ पे आज जिम करते हुए भी मैं कुछ क्लिप लिया हूँ, देखिएगा। एक्साइटमेंट में उल्टा ही पैडल मारने लगा, तो देखिए फिर मुझे अरे मैं अभी जिम में थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा था, थोड़ा बहुत देख रहा था सारे इंस्ट्रूमेंट को। तो काफ़ी अच्छा यहाँ अरेंजमेंट है, और बस रनिंग रूम का मज़े लेते हुए हम, और बस, और मेरे एक फ्रेंड थे वो शूट कर रहे थे वीडियो। तो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे सारा कुछ है, जिम वगैरह कर सकते हैं अगर यहाँ कभी, मतलब हम लोग तो उधर से पायलट आते हैं, तो यहाँ रनिंग रूम काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो वहाँ पे जब भी रुकेंगे तो आपको ऐसे कुछ कुछ शॉट आपको दिखाऊंगा वीडियो का क्लिप ले करके। और देखिए रनिंग रूम है कितना अच्छा, यहाँ सारा रूम बना हुआ है। मुझे तो एक सिंगल रूम में मिल गया था क्योंकि मैं अकेला। तो अभी यहाँ खाना पीना हो गया है, तो अब यहाँ रनिंग रूम से निकलते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ड्यूटी ऑफ हो गया है, और आपने अभी जो क्लिप देखा वो सारा मतलब ऑफ करने के बाद रनिंग रूम में मैं स्टे किया था और वहाँ पे प्रॉपर रेस्ट कर लिया था। तो अभी मैं ऑफ करके यहाँ पे घर आ गया हूँ, और ओवरऑल ड्यूटी कल बढ़िया था, जो कि 12 आवर्स का ड्यूटी रहा। और उसके बाद ऑफ करके सीधा रनिंग रूम में गए, फिर वहाँ पर रेस्ट किया, फिर सुबह उठ करके फिर वहाँ पर खाया है, मतलब जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर वहाँ से निकले। तो फ्रेंड्स, कल भी जो सेक्शन कंट्रोलर था वो बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलाया, और बहुत ही 5 आवर्स के अंदर हम लोग वहाँ पहुँच गए। जो भी डिले हुआ यहाँ पे हुआ चार्ज लेते समय, जो कि यहाँ से यार्ड से हम लोग चार्ज लिए थे। तो कल बैंकिंग लोगों में काम करने मिला था, तो
और उतना मतलब बैंकिंग लोगों में ट्रैक्शन देना पड़ता है बस, और सिग्नल वगैरह कॉल आउट आगे के जो लोकोमोटिव में बैठा रहता है एलपी और लोको पायलट वो करता है, हम लोगों को सिर्फ ट्रैक्शन देना पड़ता है और सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ता है। सिग्नल एक्सचेंज मीन्स कि गेट सिग्नल जब रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं तब सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ता है, कोई स्टेशन में सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ता है, उधर से कोई गाड़ी आती है तब सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस है, और आप भी जब फ्यूचर में बनेंगे एलपी तो आपको भी ये सब सारा कुछ पता रहेगा पहले से, तो इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज के लोगों के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो लोगों तो बाबा रामदेव वाला सीट लगा हुआ था जो कि सबसे पुराना सीरीज वाला लोको है, WAG 5 लोको, क्या बताऊँ इसके बारे में। ये लोको बहुत ही मतलब पुराना है और इसमें बहुत ही कंजेस्टेड है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लेस नहीं रहता है बैठने का ना कि खड़ा होने का, और सीट भी सही नहीं रहता है उतना कंफर्टेबल सीट नहीं रहता है, और इसका हॉर्स पावर भी कम है। लेकिन ये आपका जो कल लोड ले करके मैं गया था वो सेल गाजियाबाद का था, तो उसको मतलब ज़्यादा ऐसे ज़्यादा टनेज नहीं था लोड में, लेकिन उसको ट्रैक्शन देना पड़ता क्योंकि हम लोग जो सेक्शन में जाते हैं हटिया सेक्शन में वो पूरा ग्रेडियंट है, वहाँ 1:100 का ग्रेडियंट है, तो काफ़ी अप चढ़ाई पड़ता है और डाउन भी है, तो बहुत क्रिटिकल सेक्शन है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है अप ग्रेडियंट में, पूरा आपका ऐसे करके गाड़ी चढ़ता है। तो वो थोड़ा उसी के लिए पीछे में लोकोमोटिव को लगाया गया था ट्रैक्शन देने के लिए, क्योंकि ग्रेडियंट में इजीली गाड़ी मतलब वहाँ पे रुके नहीं और इजीली से ऊपर चढ़ जाए। तो हम लोग गए थे और कल का ड्यूटी बहुत ही अच्छा रहा, तो अभी बस ऑफ करके घर आया हूँ सीधा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा अपने भाई के चैनल को ताकि आपको और भी अच्छा अच्छा आगे इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जो भी एलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूरा लगे रहिए, और एग्ज़ाम आने वाला है मतलब एग्ज़ाम तो वैकेंसी तो निकलेंगे ही 2023 में क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है और हर 4 ईयर्स में वैकेंसी आई है, तो आप लोग पूरा प्रिपरेशन करते रहिए, यार कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत कमेंट करिए, मैं आपका स्टडी रिलेटेड भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज़ बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।